हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंडोर प्लांट्स के ऊपर, जिसे आप घर के अंदर भी आसानी से लगा सकते हैं। और ये सभी प्लांट छोटे से ही पॉट्स में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ये सब प्लांट्स लगा सकते हैं, जो कि छोटे से ही पॉट्स में लग जाते हैं, जिसे आप आसानी से कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये सब प्लांट्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से ही मैंने देखिए छोटे से ही ग्रो बैग में लगा हुआ है, जो कि सिर्फ 3 से 4 इंच का ही है। बहुत ही छोटा है ये, जिसमें ये स्नेक प्लांट है, जिसे आप स्नेक प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले प्लांट मैं स्नेक प्लांट बता रही हूँ, जिसे आप घर के अंदर भी आसानी से लगा सकते हैं और घर के बाहर भी इसे रख सकते हैं। अगर आप ऐसे प्लांट्स को घर के अंदर रख रहे हैं तो कम से कम 1 वीक में एक बार आपको ऐसे प्लांट्स को धूप में भी रखना चाहिए, ताकि इन्हें थोड़ी धूप भी मिल सके, जिससे इन्हें थोड़ी सी ताकत मिल जाती है और ये आसानी से और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये देखिए, मैंने जो ये स्नेक प्लांट है ये भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ है। ये देखिए, ये इसकी कटिंग है और ये पॉट भी आप देख रहे हैं, 6 इंच का पॉट है। सिर्फ आपको 4 से 5 इंच के ग्रो बैग में या ही छोटे से पॉट्स में भी ये स्नेक प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और 6 इंच के पॉट में देखिए आप, पूरी मिट्टी भी फिल नहीं है, आप देख सकते हैं सिर्फ 4 इंच के ही मिट्टी इसमें फिल हुई हुई है, और ये बहुत अच्छे से इसमें 2 प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, स्नेक प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसे मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। ये है इसकी कटिंग और ये ग्रो हो रहा है, जिसे आप छोटे से ही पॉट्स में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए एक्जोरिमा का प्लांट, जिसे आप छोटे से ही ग्रो बैग में या छोटे से ही पॉट्स में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कम स्पेस में लगने वाले ये प्लांट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, इनकी लीव्स कितनी अच्छी हेल्दी हैं। और आप मनी प्लांट को भी आसानी से घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं और पॉट्स में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग भी कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स मैं आज आपको बता रही हूँ, जिसे आप आसानी से घर के अंदर भी रख सकते हैं। और इसको बस आपको ऐसी जगह पे रखना होगा, जैसे खिड़की वाली जगह पे या रोशनी वाली जगह पे, और 1 हफ्ते में एक बार आप इसे धूप दिखा सकते हैं, ताकि इनको ताकत प्लांट्स को मिल सके। ये देखिए, ये है रियो का प्लांट, जिसे मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रही है। ये मैंने कटिंग से ही प्लांट रेडी किया हुआ है रियो का, जिसे आप इंडोर रख सकते हैं रोशनी वाली जगह पे, और आप थोड़ी बहुत इन्हें धूप दिखा सकते हैं, और ये छोटे से ही पॉट्स में अच्छे से ग्रो कर जाता है। ये सिर्फ 5 इंच का ही मेरा पॉट है। ऐसे ही आप छोटे छोटे पॉट्स में इनके काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत सारे ये कटिंग से रेडी हो जाते हैं। देख रहे हैं अब इसकी हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है। आप भी ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टर्टल वाइन, जो कि आसानी से ही कटिंग से ग्रो हो जाता है और छोटे से ही पॉट्स में ये लग जाता है। ये देखिए, अगर आप इसे छोटी सी इतनी सी कटिंग्स भी 3 से 4 इंच के पॉट्स में भी इन्हें ग्रो करेंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। और नेक्स्ट प्लांट है जो है हमारा जेड प्लांट, जिसे हम इंडोर और आउटडोर भी रख सकते हैं, पर ये आउटडोर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि ये धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पर हम इसे छोटे से पॉट्स में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं आपको इंडोर और छोटे से पॉट्स में लगने वाले प्लांट्स बता रही हूँ। तो ये छोटे से पॉट्स में भी आसानी से ग्रो कर जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कितना ही हेल्दी प्लांट है। ये जेड प्लांट है, जो कि छोटी सी कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर जाता है। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए बनाया है, जो कि कई लोग जो होते हैं, जो छोटे से पॉट्स में और स्पेस नहीं होता, तो वह ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि कम स्पेस में लग जाते हैं, जो इंडोर भी लग जाते हैं, आउटडोर भी लग जाते हैं, और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और कटिंग से भी आसानी से ये प्लांट्स बना सकते हैं, जो कि ये आप प्लांट्स देख सकते हैं कितने ही हेल्दी हैं। और काफ़ी प्लांट्स मेरे इसमें कटिंग से ही रेडी हुए हुए हैं। जेड प्लांट की अब छोटी सी कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है, पर ये अच्छे से ग्रो धूप में ही करता है। ये शाइनी जो इसकी लीव्स दिख,
जैसे कि आपको ये प्लांट्स की शाइनिंग लीव्स दिख रही हैं, ये सिर्फ धूप की वजह से होती है, बाकी इनकी केयर होती है कि इसमें पानी जो है आपको जब मिट्टी एकदम ड्राई नज़र आए तभी आपको देना है, और ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना। जेट प्लांट की लीव्स जो होती हैं येलो होके गिरने लगती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको भी ऐसी ही हेल्दी प्लांट चाहिए तो इसको आपको धूप में रखना होगा और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इंडोर भी कई लोग इसे रखते हैं, आप पर अगर इंडोर रख रहे हैं तो इसको एक दो दिन के लिए रखें बस, उसके बाद इसे धूप आप दिखाते रहिए। आप इसे इंडोर रख सकते हैं पर इसे धूप की ज़रूरत भी होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और स्नेक प्लांट आप लगा सकते हैं जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए ये सब स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं, और कुछ प्लांट्स देखिए ये छोटे छोटे अब और ग्रो हो रहे हैं, इसी के बेबी प्लांट्स जो आ रहे हैं ये देखिए, ये छोटे से ही पॉट्स में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा सिंगोनियम, जिससे आप आसानी से पानी में भी लगा सकते हैं, जिसे आप आसानी से इंडोर रख सकते हैं, इसे आप इंडोर ही रखिए, तेज़ धूप से इसे बचाइए, नहीं तो इसकी लीव्स जो होती हैं ब्राउन होके गिरने लगेंगी और ये प्लांट ख़राब हो सकता है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट है और कितने अच्छे से इसमें लीव्स आ रही हैं, ये देखिए, अगर इसमें धूप लगेगी तो ये ख़राब हो सकता है प्लांट, इसे आपको इंडोर ही रखना होगा। और ये छोटे से ही पॉट्स में लग जाता है, जिसे आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बॉटल्स में पानी में भी लगा सकते हैं। छोटे से ही 4 से 5 इंच के 6 इंच के पॉट्स में आसानी से लग जाता है, जिसे आप टेबल्स में रख सकते हैं या हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, आप देख सकते हैं सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, जिसे बस इतनी सी केयर है कि आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। जब बिल्कुल मिट्टी ड्राई नज़र आए तभी आपको इसे पानी देना होगा, और इसे फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आपको बार बार फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि इसे बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में ही ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और आप इसे आसानी से ही इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। बस जेड प्लांट है जो धूप मांगता है, उसे आपको सिर्फ धूप में ही लगाना होगा। अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो एक दो दिन के लिए आप इन्हें रख सकते हैं, बाद में आप इसे धूप में ही रखिए। बाकी ये सब प्लांट्स इंडोर बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं, और हफ्ते में एक दिन बस आप इनको धूप दिखा सकते हैं, और ये छोटे से ही पॉट्स में बहुत आसानी से लग जाते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं कि एक ही स्नेक प्लांट से ये 3 प्लांट्स बन गए, और ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स ये बन जाते हैं। ये देखिए अभी कितने सारे प्लांट्स बन जाएंगे, और ऐसे ही ये स्नेक प्लांट है ऐसे ही बहुत सारे स्नेक प्लांट बन जाएंगे। और ये जो है एक्सोरिमा का, इसकी भी आप कटिंग से आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और साइड्स में इसके और बेबी प्लांट्स बनते हैं उससे आप इन्हें लगा सकते हैं, तो बहुत ईजिली इन्हें आप लगा सकते हैं। जेट प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं, तो यही सब है जो छोटे से पॉट्स में कटिंग से और कम केयर में लगने वाले प्लांट जो मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।